हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। मैं आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई वाला में स्वागत करता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर हम आगे देखें, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सब चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट यूज़ होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जब हमको याद रहेगा तो हमें करने में ईजी होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे चैनल को YouTube चैनल को पढ़ाई वाले को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आज की हमारी क्लास का पहला टॉपिक क्या था, टी रेशियोज, फॉर्मूला टी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आज हम पढ़ेंगे। क्या ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिगो फॉर्मूले, आज का हमारा जो पहला फॉर्मूला है साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम दो टर्म में लिख सकते हैं, एक साइन और कॉस के टर्म में, एक होता है टैन के टर्म में। साइन कॉस का देखा जाए तो टू साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और इसको टैन के टर्म में देखा जाए तो इसको हम टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आप इसको जब प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी मैथ सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो अच्छे से डेवलप होगी, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और दूसरा फॉर्मूला हमारा है जैसे कॉस टू थीटा का, अगर हम लोग देखते हैं तो इसके चार फॉर्मूले हैं और चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आप इसको एक तरीके से याद करेंगे तो सब आसानी से याद हो जाएंगे। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि उनका फॉर्मूला याद नहीं होता, जैसे होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये कॉस के टर्म में, ये साइन के टर्म में, एक इसका फॉर्मूला होता है जो कि होता है साइन और कॉस दोनों के टर्म में होता है, उसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक इसका फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं टैन के टर्म में, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और एक होता है वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये चारों फॉर्मूले कॉस टू थीटा के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए। और इसके बाद हम आते हैं फिर टेन टू थीटा पे। टेन टू थीटा का फॉर्मूला जो है इसको हम टेन के टर्म में रखते हैं, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो कुछ चीज़ इसमें लग रही होगी कि जो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे, सॉरी गलती से, प्लस होता है, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है। सो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये भी याद करने में आपको आसानी होगी। और यहाँ पे इस वीडियो में आपको इससे क्या क्लियर हो रहा है कि किसी भी मतलब साइन टू थीटा से संबंधित जितने फॉर्मूले हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगे, कॉस टू थीटा से संबंधित जितने फॉर्मूले हैं वो एक जगह मिल जाएंगे, टैन टू थीटा से संबंधित जितने फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले संबंधित हैं एक जगह मिल जाएंगे। वैसे होता क्या है कि आप कोई टॉपिक उठाए, पढ़ना शुरू किए, उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो आपको लग रहा है कि यहाँ कैसे लग रहा है, सारे फॉर्मूले आपको पता चल जाएंगे तो कहीं भी अप्लाई होगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। वैसे होता क्या है कि फॉर्मूला ध्यान में रहता नहीं हम लोगों के, जब हम लोग को कहीं दिखता है हम लोगों को लगता है अरे यहाँ पे ये कैसे यूज़ हुआ, वहाँ पे कैसे यूज़ हुआ, जब सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में आएंगे तो क्वेश्चन हम लोग खुद से जब अप्रोच करेंगे तब भी सॉल्व करने में आसानी होगी, और अगर कोई क्वेश्चन में लगा हुआ या यूज़ हुआ रहेगा तब भी हमको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, टैन टू थीटा का कॉस टू थीटा का ये हो गया। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है साइन थ्री थीटा का, फिर टू थीटा को भी आप थ्री थीटा के सारे फॉर्मूले देखेंगे साइन थ्री थीटा के। तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला आपका है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी के साथ कॉस थ्री थीटा का देख लेंगे, उसका क्या है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसको इधर करके यहाँ कॉस करेंगे, इसको इधर करके बस एक्सचेंज करेंगे दोनों को, बस कॉस कर देंगे उसकी जगह पे। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे और ये चीज़ ध्यान में रखेंगे ये ट्रिक, तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखते हैं टैन थ्री थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि ऐसा है कि वो थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा माइनस टैन की टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा, थ्री टैन थीटा माइनस टैन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सॉरी थ्री नहीं होगा, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा, थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब वन वन टैन स्क्वायर थीटा, जिसका टैन थ्री थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो सारे फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए या तो स्क्रीन शॉट लीजिए,
पेन कॉपी लेके आप भैया बैठिएगा, इससे क्या है कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो ये सारे फॉर्म में लिख लेंगे, लिखना बहुत जरूरी है, अगर इसको आप लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इस फॉर्म में। सो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा अगला फॉर्मूला साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा के सारे फॉर्मूले हो गए, टू थीटा के सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग देखेंगे ए बी फॉर्मूला एक आता है, तो फिर आप देखेंगे साइन ए प्लस बी, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे लिख देते हैं साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे होता है। अगर यहाँ पे माइनस होगा साइन ए माइनस बी का अगर लिखना है तो सब यहीं पे माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, तो आपको लिखने में भी कम पड़ेगा तो याद भी जल्दी होगा, ऐसे आप समझ जाइए। लेकिन आप ये नोटिस करिएगा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस नीचे माइनस। वैसे आप अगर देखिएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको कॉस ए कॉस बी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी साइन ए साइन बी ये आपका हो गया कॉस ए प्लस बी का, अब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस वही इतना सा चेंज होता है बस। अब आपका साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का हो गया, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला जो है टेन ए, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक फॉर्मूला इसका ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ही आपको माइनस जब लगाना हो तो आप ध्यान दीजिए यहाँ माइनस लगा दीजिए यहाँ प्लस लगा दीजिए बस। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे लगता था कि बहुत ही मतलब ये सब चीज़ें याद मतलब होती ही नहीं थी, आपको भी ऐसा लगता होगा शायद सब चीज़ें याद होती नहीं, सबको याद करना बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है कि आप इसको एक बार लिखिए टाइम देके और इसको चार्ट पेपर में लिख के कहीं टांग दीजिए, जैसे आप आते जाते हो तो आपका दिमाग उस पर पड़ता रहे, आपको ये लर्न हो जाएगी चीज़ें, नहीं तो जब लर्न नहीं हुई रहती तो जब क्वेश्चन में आता है तब डिफिकल्टी होती, तब लगता है कि ये कैसे फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो गया, कैसे फिर पूछना पड़ता है किसी न किसी से। वैसे क्या जब चीज़ें बेसिक चीज़ें जब पता रहती हैं तो चीज़ें फिर अपने आप से समझ में आने लगती हैं। अब जैसे देखा जाए तो आपको ये सारे फॉर्मूले हो गए, अब एक फॉर्मूला आपका आता है जैसे कि इसको इरेज कर देते हैं, आप इस लिख लिए हो तो इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन शॉट लीजिए। एक फॉर्मूला आता है इसकी संबंधित है वो भी, उसको आपको बता देंगे तो वो भी आपको ट्रिक से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो साइन ए साइन ए साइन बी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, टू साइन ए बी को हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस बी में लिख सकते हैं। अब फिर देखते हैं अगर हम टू साइन ए बी साइन ए सॉरी 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 साइन ए नहीं साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी इसका फॉर्मूला है। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो साइन ए प्लस बी का भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे जब उसको फिर सॉल्व करेंगे तो टू साइन ए कॉस बी ही बचेगा, इधर साइन ए कॉस बी बचेगा। जैसे एक को आप करके देख लीजिए, तो अगर हम साइन ए प्लस बी को करेंगे तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि साइन ए कॉस बी है प्लस इसका कॉस ए साइन बी है, ये हम लोगों ने देखा था साइन बी है, इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था साइन ए है कॉस बी है माइनस कॉस ए साइन बी है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले अभी देखा था। अब इसको क्या है कि आप देखेंगे ये माइनस से माइनस तो ये कट जाएगा, ये दोनों ऐड कर देंगे आपका आ जाएगा टू साइन ए कॉस बी, और यही आपका देखिए इस साइड पर लिखा गया है। सो आपको ये फॉर्मूला अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसको भी ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं टू साइन ए कॉस बी, वो है टू कॉस ए साइन बी करके, कॉस ए साइन बी उसको हम कैसे लिखते हैं साइन ए प्लस बी यहाँ पे रहेगा यहाँ माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा आपका कॉस ए साइन बी। अब आप देखते हैं टू कॉस ए सच्चा नहीं रहा है क्योंकि मैं देखता हूँ दूसरा कॉस ए कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी को अगर हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी यहाँ पे कॉस ए माइनस बी यहाँ क्या कहेंगे प्लस लगा देंगे, और यही टू
साइन ई और इन सब को आप ऐसे ही एक्सपेंड करके सॉल्व करके देख भी सकते हैं, यही रिजल्ट आएगा आपका। इसको हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। सो आप चारों फॉर्मूले देख लिए, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मैथ में, आप इन सबको लिस्ट बनाइए और इन सबको एक जगह टांग दीजिए। इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इससे क्या करते हैं अपनी मैथ्स की मतलब कैलकुलेशन को भी इजी कर लेंगे और समझने में भी आपको आसानी होगी। और आगे चल के मैथ्स क्या, 11th में तो मैथ का ज़्यादा मतलब वेटेज है, मैथ में ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन 12th में आपके वेटेज ज़्यादा है नहीं, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो मतलब है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, बाकी सारे चैप्टर्स तो वैसे ही है मतलब 11th में ज़्यादातर हैं, लेकिन हाँ 11th में मैथ आपका ज़्यादा है मतलब ट्रिगोनोमेट्री, मैथ में ट्रिगोनोमेट्री ज़्यादा है। सो आप फोकस रहिए अपनी पढ़ाई पर, अभी आपका बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, उनमें फोकस कीजिए, इधर उधर ज़्यादा मत दिमाग डाइवर्ट कीजिए अपनी अगल बगल की सिचुएशंस पे, जो हो रहा है वो होने दीजिए, क्योंकि वो कोई बदल नहीं सकता। इस सारे फॉर्मूले को लिख के एक चार्ट पेपर में बना के कहीं अपने हाँ स्टडी टेबल के पास या कहीं टांग लीजिए, जिससे आप उसको रोज़ रोज़ देखते रहेंगे तो आपको जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चंस को अगर देखेंगे अप्रोच करेंगे तो आपको लगेगा हाँ इसको याद करने से चेंजेस आ रहे हैं सॉल्व करने के तरीके में। सो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।